नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, सालासा टेक्नो में अभी के टाइम चर्चा की जाए तो दिन प्रतिदिन जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लगातार लॉसेज पे लॉसेज इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आ रहे हैं कि क्वार्टर वन के पहले कितने इस स्टॉक पे गिरावट हो सकती है और साथ ही साथ इस स्टॉक पे अभी के टाइम हमें होल्डिंग बनानी चाहिए या फिर इसे लॉस बुकिंग करके हमें सेल कर देना चाहिए। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक पे आज जो गिरावट नज़र आई है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक की आज ओपनिंग काफ़ी पॉजिटिव रही थी। 18.84 रुपये तक मार्केट पे जो जंप थी वो भी हमें नज़र आई थी, पर कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार इस स्टॉक की जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। तो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जो बदलाव है वो यहाँ पे नज़र आएंगे, पर दोस्तों गिरावट बढ़ रही है और लगातार दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप भी तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज कंपनी का मार्केट कैप 3111 करोड़ तक वापस आ चुका है। तो इसका मतलब ऑल ओवर इस स्टॉक पर परफॉर्मेंस में भी गिरावट नज़र आ रही है। आंतरिक और भारी सेगमेंट दोनों में भी टाइम गिरावट नज़र आ रही है और लॉसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर लास्ट 5 सेशन पर अगर हम चर्चा करें इस स्टॉक के ऊपर तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक पे ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ लास्ट 1 मंथ में अगर चर्चा की जाए तो गिरावट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ी है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में 35 पैसे इस स्टॉक की गिरावट बढ़कर जो आज पहुँच चुकी है 18.35 रुपये तक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी गिरावट का जो सिग्नल है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी पे जो पिछले टाइम ASM लिस्ट पे जो देखने को मिल रही थी कंपनी ASM लिस्ट से भी नज़र आ चुकी थी कि कंपनी हट चुकी है। तो कंपनी ASM लिस्ट से हट जाने के बावजूद इस स्टॉक पे जो गिरावट नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं लॉसेज अभी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक से दोस्तों दूरियां बनाने में अपनी बेहतर भलाई समझी मैं तो आप लोग को दोस्तों एक ही चीज़ गाइड करूँगा, क्योंकि लगातार कंपनी ने जिस प्रकार परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव नजर आ रहा था तो उसी प्रकार दोस्तों गिरावट जो है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक पे अभी के टाइम एक ऑपरेटर्स का बड़ा ट्रैप भी नज़र आया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो देखने को मिला था कि कंपनी का 6 महीने में रिटर्न काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया था, जब प्राइस दोस्तों इस स्टॉक की काफ़ी अच्छी जा चुकी थी। लगातार इस स्टॉक पे काफ़ी बढ़िया जो लगातार तेज़ी नज़र आई थी लगभग 34 रुपये तक पर, मैंने आप लोगों को दोस्तों इस लेवल पर आप लोग को सजेस्ट किया था कि इस स्टॉक पर ऑपरेटर्स का एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो लालच है कहीं ना कहीं वो चीज़ें दोस्तों एक बड़े लॉसेस का सामना भी करवा देती है टाइम के ऊपर, क्योंकि इस लेवल पर अगर हम बात करें दोस्तों इस स्टॉक पे जो प्राइस थी वो 25.67 रुपये के आसपास मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि अभी के टाइम इस स्टॉक पे अब ज़्यादा रिस्क ना ले। पर इस स्टॉक पे दोस्तों जो ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा और लगातार लॉसेस के बजाय दोस्तों एक प्रॉफिट के बुकिंग के चक्कर में दोस्तों एक लालच काफ़ी ऊपर तक ले गया और वापस देखा जाए तो दोस्तों मार्केट का भी रिकवर होने की संभावना फिर ना देखने को मिला। तो दोस्तों ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और पिछले 2 रिजल्ट्स तो देखने को मिले हैं उसमें दोस्तों सेल्स भले ही हमें बढ़ती हुई नज़र आई पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं जो एक उतार चढ़ाव के बजाय प्रॉफिट बुकिंग भी हमें सेम टू सेम नज़र आई है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक पे थोड़ा जो और ज़्यादा एक्टिव जो ऑपरेटर्स का ट्रैप है वो ज़्यादा हो चुका है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक से थोड़ी दूरियां बनाने में अपनी बेहतर भलाई समझे और फिलहाल हमें दोस्तों होल्डिंग पर रहने की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी हमें लॉस के बजाय दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आगे चलकर जल्दी रिकवर करने की आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक पे अभी के टाइम जो कुछ नेगेटिविटी पर हम चर्चा करें तो दोस्तों कुछ नेगेटिविटी जो अभी के टाइम रहने वाली है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से दोस्तों 6.44 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ लास्ट रिजल्ट के ऊपर दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में भी 4.31% की गिरावट हुई है और साथ ही साथ इक्विटी पर जो रिटर्न है वो पिछले 3 सालों में जो गिर चुका है कम दिया है, यानी कि 12% तक का। तो दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स ये बोलेंगे कि जिस प्रकार लास्ट रिजल्ट के ऊपर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट नज़र आई है तो दोस्तों वो चीज़ सही है, पर उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये देखने को मिला था कि दोस्तों कंपनी ने पिछले टाइम EMC लिमिटेड को भी अधिग्रहण किया था, तो उसी के बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना होगा। तो इसी के बदौलत कहीं ना प्रमोटर्स ने दोस्तों जो शेयर थे वो 4.2% गिरवी रखे हुए थे। तो अभी के टाइम वो प्रमोटर्स के द्वारा जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं तो इसी के बदौलत कुछ डेटा
नेगेटिव है नहीं, पर कंपनी का जो कर्ज है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि लगभग पिछले टाइम 845 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्ज जो देखने को मिल रहा था वो घटकर 350 करोड़ हो चुका है। पर अभी कंपनी की सेल्स भी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो टाइम जो है थोड़ा लंबा जा सकता है, पर कंपनी रिकवर होने का जो चांसेज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पिछले 2 सालों की सेल्स पर अगर हम चर्चा करें, ऑल ओवर पर चर्चा करें, तो कंपनी की सेल ऑल ओवर पर ग्रोथ करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, और कंपनी का प्रॉफिट में भी जंप देखने को नजर आया होगा। तो इसी के टाइम लिए दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एंसर करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।